आपका अपने YouTube चैनल प्रॉपर्टी गुरुजी के ऊपर। मैं आपका दोस्त हरदीप सिंह आज आपको लेके आया हूँ एक साइट के ऊपर जहाँ पे आपकी प्लॉटिंग रहने वाली है जी। मोस्टली लोगों की डिमांड होती है कि यार हमारे को ना मोहाली में जो है प्लॉटिंग मिल जाए, वो भी कम बजट में। तो आज मैं आपके लिए जो लेके आया हूँ सेक्टर 113 में आपकी जो रही है मोहाली का एरिया रहेगा जी, गमाडा की प्रॉपर्टी रहेगी, रेरा अप्रूव्ड आपका प्रोजेक्ट रहेगा जी, 25 एकड़ में आपका प्रोजेक्ट है जी। अगर और ये बिल्कुल आप देखेंगे यहाँ से, मैं आपको दिखाना चाहूँगा कि जहाँ पे वो ट्रक खड़ा है आप देख सकते हैं वहाँ से आ रहा है व्हीकल, तो वो हाईवे चल रहा है हमारा खरलांडरा हाईवे, जिसको हम जो कहते हैं दिल्ली जम्मू हाईवे भी कह देते हैं। तो इससे कनेक्टिविटी आपकी बहुत ही इजी रहेगी यहाँ पे। और ये आपकी जो है 100 फीट वाइड रोड है, मैं आपको दिखाना चाहूँगा, ये 100 फीट वाइड रोड के ऊपर आपका प्रोजेक्ट रहेगा। ये सारी सरहंद चुन्नी रोड को ये आपकी रोड जाएगी। तो 25 एकड़ में आपका प्रोजेक्ट है जी। यहाँ पे प्लॉट्स मिलेंगे 100 गज के, 125 गज, 150 गज के आपके यहाँ पे प्लॉटिंग रहेगी जी। यहाँ पे आपको कमर्शियल भी मिल जाएगा और अच्छे साइजेस है, जैसे 100 गज का आपको पता ही होता है कि 20x45 हो गया, और ठीक है जी 25 या 26 फुट के फ्रंट आपको मिल जाएंगे। अगर अमेनिटीज़ की बात करूँ, बहुत सारी अमेनिटीज़ यहाँ पे रहेंगी, अमेनिटीज़ जैसे पार्क्स हो गया, कम्युनिटी सेंटर हो गया। सो ये सारी आपकी कमर्शियल फ्रंट में रहेगी जी। मैं आपको आगे जाके दिखा देता हूँ कि सारी रेडी टू मूव आपकी यहाँ पे प्लॉटिंग रहने वाली है जी। आप साथ ही अपनी रजिस्ट्री करवा सकते हैं यहाँ पे और अपना जो है घर यहाँ पे बना सकते हैं। सड़कें वगैरह प्रॉपर यहाँ पे डल चुकी हैं जी, मार्किंग हो चुकी है प्लॉट की। जैसे ये सारी मार्किंग हुई हुई है मैं आपको दिखाना चाहूँगा। ये सारे आपके जो हैं 100 गज के यहाँ पे वो रहेंगे कमर्शियल्स। आप यहाँ पे ग्राउंड फ्लोर अपना बेसमेंट बना सकते हैं और अपनी फर्स्ट मंजिल तक अपने जो है कमर्शियल्स यहाँ पे रेडी कर सकते हैं। सो अच्छी इन्वेस्टमेंट है, पर्पस भी उसे भी आपका अच्छा है। अगर आप एंड यूज़र हैं तो भी आपके लिए प्लॉटिंग अच्छी रहेगी। पीछे ये पूरी आप देख सकते हैं हमारी मार्किंग हो चुकी हैं, सड़कें बन चुकी हैं यहाँ पे। आप अपनी जो है यहाँ पे प्लॉटिंग लेके और अपना घर यहाँ पे बना सकते हैं। सो मैं यहाँ के जो हमारे सेल्स हेड हैं साक्षी जी, मैं उनको इनवाइट करता हूँ, फर्दर आपको वो जानकारी देंगे इस प्रोजेक्ट के बारे में। सो मैं उनको इनवाइट करता हूँ साक्षी मैम। तो मैम आप थोड़ा सा हमारे को बताइए प्रोजेक्ट के बारे में यहाँ पे, कि ये प्रोजेक्ट कितने एकड़ में है और ये प्रोजेक्ट की प्राइस क्या है, आप बताइए थोड़ा सा। हाँ जी मैम बताइए। बेसिकली सर इसमें इस 25 एकड़ का ये हमारा प्रोजेक्ट है, ठीक है। इसमें हमारे पास कमर्शियल साइट एंड रेजिडेंशियल दोनों ऑप्शन मिल जाए। ओके ओके। ये जो आप सर देख रहे हैं ये सारा कमर्शियल साइट है सर। ओके। 100 गज की साइट है ये 90 रैक्स की। ओके। कमर्शियल के आगे सर हमने 40 फीट की पार्किंग दी है। ओके ओके। एंड जो उसके आगे सर ये 100 फीट वाइड सेक्टर डिवाइडिंग रोड है, गवर्नमेंट रोड है, ये आगे जाके बेंड हो जाएगी चुन्नी रोड सरंद रोड को सर। ओके ओके ठीक है। मतलब आप कह सकते हैं कि आपका जो प्रोजेक्ट है ये 100 फीट वाइड रोड के ऊपर से ही आपकी स्टार्टिंग हो जाएगी। मैम आपसे पूछना चाहूंगा, जैसे ये आपकी सोसाइटी कितने एकड़ में है? 25 एकड़ में है। अब इसमें गेट कितने रहेंगे एंट्री और एग्जिट? सर एक ही गेट रहेगा, जो हम खड़े हैं हम एंट्री पॉइंट पे ही खड़े हैं, यहाँ पे यहाँ से एंट्री रहेगी, यहाँ से सर एग्जिट रहेगी। तो फ्रेंड्स हमारे लिए बहुत अच्छी बात है कि हमारी जो है ये एक ही एंट्री और एक ही एग्जिट रहेगी, गेटेड टाउनशिप रहेगी आपकी। तो सिक्योरिटी पर्पज से आपकी ये प्रॉपर सोसाइटी रहती है। मैम ये सोसाइटी है, इसमें मैं पूछना चाहूंगा कि इंटरनल रोड्स कितने वाइड रहेंगे यहाँ पे? सर इसमें जो मेन एंट्री रहेगी वो 35 फीट वाइड रोड से रहेगी, बाकी जो जितनी भी रोड्स हैं वो सारी 30 फीट की रोड्स हैं। ठीक है ठीक है। तो आपको 30 से 35 फीट वाइड की यहाँ पे रोड मिल जाएगी। मैम मैं अमेनिटीज की बात करूँ, आप क्या क्या अमेनिटीज दे रहे हैं यहाँ पे? सर बेसिक जो रहता है सीवरेज का, पानी, बिजली जी, कमर्शियल मार्केट रहता है, ठीक है जी, सारी बेसिक अमेनिटीज। ठीक है मैम। सो मैम मैं आपसे पूछना चाहूंगा, बड़ी सोसाइटी है आपकी, तो इसमें आप जैसे पार्क वगैरह कितने प्रोवाइड कर रहे हैं? सर इस साइड हमारे 4 पार्क है। ओके। सवा दो एकड़ का एक पार्क है, ठीक है, दो कनाल के 3 पार्क। ओके ओके ठीक है जी। तो जैसे पार्क्स हो गए, आपको जॉगिंग ट्रैक मिल जाएगा वहाँ पे, बच्चों के लिए झूले आपको मिल जाएंगे, तो आपको सभी अमेनिटीज मिल जाएंगी। मैम जैसे आजकल एक ट्रेंड भी चला हुआ कि हम सोसाइटी तो काटते हैं, उसके अंदर मोस्टली जैसे फ्लैट्स होते हैं क्लब हाउस होता है, तो यहाँ पे आप कुछ ऐसा दे रहे हैं? सर यहाँ पे हम कम्युनिटी सेंटर दे रहे हैं जिसमें सो मैम यहाँ पे प्लॉट के साइजेस क्या हैं और उनकी जैसे डायमेंशन क्या रहेंगे आप प्लीज वो बताएंगे हमारे को? हमारे पास यहाँ पे 100, 125 एंड 150 गज के प्लॉट्स हैं। 100 गज की डायमेंशन जो रहेगी वो 20x45 की रहेगी, ठीक है जी। कुछ प्लॉट सर हमारे पास 125 गज में भी है जी। सर 22x50, ठीक है। एंड सर हमारे पास 130 गज के प्लॉट्स भी हैं 26x45 में। ओके ओके। 150 गज के प्लॉट्स हैं सर वो 25x54 की डायमेंशन रहेगी, बट अभी 150 गज सर हमारे पास अवेलेबल है नहीं। ओके ओके। तो देख सकते हैं कि फ्रेंड्स हमारे पास जो है 100, 120 या 138 गज जो भी मैम ने बताया प्लॉटिंग, वो आपको यहाँ पे मिल जाएंगी प्लॉटिंग यहाँ पे।
और मैम यहाँ पे अगर मैं पूछना चाहूँ अपना नक्शा वगैरह कितने मंजिल तक पास हो जाता है अपना? सर हमारे पास यहाँ पे जो रेजिडेंशियल रहेगा वो ग्राउंड फ्लोर, फर्स्ट फ्लोर एंड सेकंड फ्लोर है। सेकंड फ्लोर का रहेगा, तीन फ्लोर बना सकते। ठीक है ठीक है मैम, मैं आपसे ये चीज पूछना चाहूंगा कि आपके प्रोजेक्ट को अभी कितना टाइम हुआ और स्टार्टिंग प्राइस जब आपने ये प्रोजेक्ट किया था तो स्टार्टिंग प्राइस क्या था आपका? सर हमारे प्रोजेक्ट को 1.5 साल हो चुका है। जो हमने प्रोजेक्ट प्री लॉन्च सर किया था 21,500 पर गज की पे हमने इसको लॉन्च किया था सर। ठीक है, तो अभी का करंट प्राइस क्या चल रहा है? आज का जो रेट प्राइस है हमारा यहाँ पे सर 34,200 पर गज का रेट है सर रेजिडेंशियल। तो फ्रेंड्स आप देख सकते हैं कि अभी का जो आपका प्राइस है वो 34,900 हो चुका है। इन्होंने जो है आपका 21,500 से शुरू करा था प्राइस। सो एप्रिसिएशन आप देख सकते हैं कि आपकी कितनी एप्रिसिएशन हो रही है जी। सो इन फ्यूचर आपकी और भी होनी है, जब यहाँ पे कोठियाँ बननी शुरू हो जाएंगी तो आपको एप्रिसिएशन बहुत ही अच्छी मिलेगी। मैम आपसे मैं एक चीज़ पूछना चाहूँगा कि हमारे जो व्यूअर्स हैं अगर वो हमारी वीडियो देख के आते हैं, क्या आप उनको स्पेशल डिस्काउंट करेंगे? जी सर बिल्कुल, रिगार्ड हमारा रहेगा। ठीक, सो मैं थैंक यू करना चाहूँगा मैम का कि उन्होंने हमारे को टाइम दिया और आपको इस प्रोजेक्ट के बारे में एक्सप्लेन किया। तो मिलते हैं फ्रेंड्स हम जल्दी अगली वीडियो में।